हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्त आर न्यू, आई एम लक्ष्य एंड आई एम कमर्शियल पायलट। तो आज हमारे दो गेस्ट हैं, विवेक और अनुज। तो बेसिकली आज हम साउथ अफ्रीका के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इज इट सेफ है। क्वेश्चन के साउथ अफ्रीका में आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती, एज अगर आप मतलब क्या कहते हैं पार्ट टाइम जॉब कह लो, वो मिलती है या नहीं मिलती। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि खाने वगैरह का आप पूछते हैं कि नॉर्मली खाना कैसा होता है। तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई राम राम सभी को, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं बेसिकली। और मैं साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर जुलाई में आया था कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करने, और अभी तक पीपल हो चुका है और आर बिल्डिंग के लिए अपने ट्रेनिंग स्टार्ट की हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, विवेक सिंह। विवेक, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। राम राम सबको, मेरा नाम विवेक सिंह, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं सीपीएल ट्रेनिंग के लिए अपनी आर बिल्डिंग में लास्ट फेज में हूँ। दैट्स इट। So now let's start with our discussion. तो हम लोग step by step discuss करेंगे और I got some questions in return. तो मैं उन questions से start करता हूँ। तो basically first question for Vivek. Vivek, how do you feel about safety in South Africa? It's fine if you'll answer in Hindi or English. Safety in South Africa कुछ नहीं है, इंडिया ऐसा ही है। बस थोड़ा precaution लेना है तुमको, जैसे इंडिया में तुम गांव, कोई गांव में चले जाओ तो वहाँ पे भी रात में क्या डाकू डकैत की वो रहती है, डर रहता है। तो ऐसा यहाँ पे भी है, रात में तुम घूम सकते हो, ऐसा नहीं घूम सकते हो, लेकिन प्रिकॉशंस लेके घूमना है तुमको, शो ऑफ नहीं करना है, यही है बस। बाकी और ज़्यादा खतरा नहीं है, सेफ है, इतना नहीं। सो अनुज, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस? जैसे अभी मैं थोड़े दिन का रिसेंट वो बताती हूँ आपको, सिनेरियो क्या था। मैं फ्लाइंग के लिए जाता था विवेक, और मैं कई बार, तो मैं यहाँ पे एक ब्रिज हमारे, तो सबसे अनसेफ वो ब्रिज माना जाता है। मतलब अगर लक्ष्य आपको तो पता ही होगा, जर्मिस्टन साइड में ही साइड रहते हैं, तो लेक है जर्मिस्टन लेक, तो इसके पास में एक ब्रिज है, हाँ, वो सबसे खतरनाक माना जाता है कि यहाँ पे जितनी भी मतलब कि आपकी थेफ्ट वगैरह होती है ये सीन, तो वो उस ब्रिज पे ही ज्यादा होता है। तो मैं अपने फ्रेंड को बोल देता था कि मेरे को ब्रिज पर छोड़ के आ जाओ, मैं विवेक के साथ मतलब कि हम वॉक कर लेंगे स्कूल तक। लेकिन कई बार क्या होता था, देखो विवेक को फिर आते टाइम हम स्कूल से आते थे, तो विवेक तो अपना चला जाता था अपार्टमेंट में, लेकिन आगे मैं पैदल ही आता था। तो उसमें मेन चीज आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी है ना, मतलब वॉक करो ना, थोड़ा मतलब कि चौकन्ने रहो, ठीक है, जो वर्ड हिंदी में बोला जाता है चौकन्ने रहो, ताकि आपको लग रहा है कि तीन चार बंदे एक साथ आ रहे हैं, तो आप अपना ना मतलब इस साइड से वॉक कर रहे हो तो दूसरी साइड से वॉक करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये दिखे ना कि आपको, हाँ थोड़ा लग रहा है कि ये डर है भाई, इस वजह से थोड़ा लग सकता है कि भाई ये आपको लूट सकते हैं, ऐसा कुछ आपको थोड़ा भी कुछ भी दिमाग में आए ना, तो बेटर है कि आप दूसरी वे से चलना स्टार्ट कर दो। और ऐसा कुछ अभी तक मेरे साथ कभी कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक सेफ ही है। मैं वॉक भी किया है, और मोस्टली बोलते हैं कि ऊबर वगैरह यूज करो तो बेटर है। ओके है, तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है अनुज ने कि आप हमेशा ट्राई किया करो ऑपोजिट साइड पे वॉक करना। तो सेम थिंग हैपेंड विद विवेक। विवेक, कैन यू टेल अस अबाउट योर क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम एंड स्टफ लाइक दैट? समथिंग हैपेंड विद यू, राइट? हाँ हाँ, ये सर हैपेंड विद मी इन जर्मिस्टन टाउन। मैं गया था सामान खरीदने, तो मुझे एटीएम से पैसा निकालना था, मैं लक्ष्य हम दोनों साथ में थे वहाँ पे, तो मैं लाइन में क्यू में था कि बैंक से कैश निकालूं, तभी एक बंदे ने वो पता नहीं उसने क्या किया, बस मेरा माइंड वॉश कर दिया और मेरा कार्ड लेके मेरा, लेकिन मेरा उधर भी एक्टिवनेस था, मैंने कार्ड तो गलती से उसके हाथ में दे दिया, लेकिन जब पिन डालने उसने बोला तो मैंने पिन नहीं डाला, मैंने मॉनिटर पे नोटिस किया कि कुछ तो गलत है, जब तक मैंने बंदे को घूम के देखा वो बंदा गायब था। तो यही है। तो बेसिकली आपको इन सब चीज़ों से ही मतलब अवेयर रहना होगा। तो हेयर आई वुड लाइक टू शेयर माई फ्रेंड स्टोरी। तो ही इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, बट आई वोंट नेम हेयर। तो ही वॉज ड्राइविंग एट नाइट, बेसिकली वो रात को अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था। तो उसके साथ क्या हुआ, उसको किसी ने रोका, जस्ट मतलब उसने बोला मतलब हाथ दिखाया, तो वो रुक गया रोड पर ही। तो वो रुका तो उसको पूरा का पूरा मतलब सब कुछ उसके हाथ से, मतलब मोबाइल था उसके पास, उसके पास वॉलेट था, कार की कीज को छोड़ के बाकी सब कुछ ले गया उससे। तो ये इंसिडेंट शायद विवेक को भी पता है, ये हमारे एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं साउथ अफ्रीका में। तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन साउथ अफ्रीका, और मे बी इफ यू आर गोइंग और इफ यू आर गोइंग टू स्टडी देयर। तो बेसिकली यू हैव टू टेक समथिंग अनुज? नहीं, बस ये चीज बोलूंगा हमेशा भाई कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, ठीक है। अगर महंगे फोन लेके आप रोड पे चलाते हुए चलोगे फोन को, तो कोई भी नोटिस करेगा। अगर सबको पता है एप्पल वॉच डाल रखी है, एप्पल का फोन हाथ में है,
या फिर नॉर्मली फोन क्यों ना लगा लो यार, नॉर्मल इंडिया में भी ये चीज होती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में चोरियां नहीं होती। जब आपको कुछ एरिया ऐसे होते हैं, दिल्ली में भी ऐसा है यार, आप ट्रेन में जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा आपका फोन किस टाइम किसने निकाल लिया। तो हर जगह है ये चीज, बस आपको ये है कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही, मतलब थोड़ा क्या ज्यादा अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा बस। तो ऐसा मतलब जनरली हम तीनों के साथ तो शायद कुछ नहीं हुआ, मुझे विवेक का तो आई एम श्योर कि वो क्रेडिट कार्ड के बाद से कुछ नहीं हुआ, एंड देन बोल ही दिया कि कुछ नहीं हुआ, तो इवन आई वाज लकी मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ। आई हैव बीन टू ईच एंड एवरी प्लेस ऑलमोस्ट इन साउथ, लाइक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्लेस इन साउथ अफ्रीका, तो मैं बेसिकली सब जगह पर गया हूँ साउथ अफ्रीका में। मैं विलेज गए भी तो वी वर इन डीआर, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा सा विलेज ही है वो एक तरह से साउथ अफ्रीका में, पर लकीली हमें वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वी वर रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स एंड डूइंग लाइक वट एवर वी यूज टू डू, वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड डूइंग एवरी थिंग, सो फॉर अस इट वॉज सेफ, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस वाइल ट्रैवलिंग इन साउथ अफ्रीका और वाइल यू आर स्टडिंग और बेसिकली योर ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। सो अनुज, वट डू यू थिंक अबाउट कैन यू वर्क देयर इन साउथ अफ्रीका? सो पीपल यूज टू आस्क मी, दे यूज टू कॉन्टैक्ट मी, कैन वी डू सम पार्ट टाइम जॉब और समथिंग लाइक दैट, दे यूज टू आस्क मी। सो वट वुड यू लाइक टू टेल देम? I've already told them, but I think so they need some more opinions to be sure, like basically surety के लिए उनको और opinions चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आई आस्क लॉट्स ऑफ पीपल्स, तो सबने एक ही चीज बोली कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जॉब की नहीं देते, पार्ट टाइम जॉब नहीं देते, क्योंकि यहाँ के बंदे हैं ना उनको प्रेफर पहले करते हैं, क्योंकि यहाँ के बंदे पहले अनएम्प्लॉय हैं इस चीज को लेके, तो इन्हीं को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने खुद से कभी ट्राई नहीं किया कहीं जाके पूछने का, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने ट्राई किया, उन्होंने बोला कि नहीं वो आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं देते, तो उसके बाद हमने कभी ट्राई नहीं किया और ना कभी सोचे फिर जॉब करने के। और एक थोड़ा ये भी है कि यार कई बार सुनने में आता है कि पिक एंड पे हो, जो आपकी ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो मतलब चोर वगैरह आते हैं गन लेके लूट ले जाते हैं, तो फिर एक चीज वो भी माइंड में रहेगी कहीं ना कहीं, एक ये रहा कि छोड़ो यार अपना जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है ऐसे ही कर लेंगे, मतलब कि ये चीज थी। तो मेरे को लगता नहीं कि जॉब देंगे अगर आप ट्राई भी करने जाओगे, और शायद दे भी सकते हैं, वो किस्मत के ऊपर भी बात हो सकती है भाई, उनको उस टाइम नीड हो। और एक चीज, अपने इंडिया की तरह यहाँ पे काम नहीं होता, इंडिया या फिर इंडिया में, हाँ जैसे जॉब्स में क्या होता है आपको एक शिफ्ट मिलती है, ठीक है, इंडिया में देखोगे तो, और यूएस में आपको 1 या 2 घंटे की शिफ्ट मिल सकती है, 1-2 घंटे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है, आपको मतलब कि एक पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, 5-6 घंटे ऐसा कुछ है या 7-8, वो आपको पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस बीच में वही बात है, अगर आपको फ्लाइंग करनी है तो वो चीज नहीं कर पाओगे, आप एक टाइम देखा जाए तो एक टाइप से फंस के रह जाओगे, ठीक है? तो अगर जॉब करने जाओगे तो फ्लाइंग नहीं कर पाओगे, तो फ्लाइंग करोगे तो फिर आप सोचोगे जॉब नहीं कर पाओगे, तो वो चीज है, तो आपको देखना वो आपके हिसाब से क्या ठीक है। True. And would you like to add something, Vivek? नहीं, जिस जो ये बोला सही बोला, पर मैंने रूमर सुना है कि यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स अ मंथ, सो बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब ओवर हियर, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। So yes, I've also seen in our visa conditions basically. तो हमारा वीजा कहता है यू कैन वर्क 20 आवर्स अ वीक, जैसा विवेक ने बोला हम लोगों को, बट स्टिल आई हैव ट्राइड, माई पर्सनली मैंने अपने आप से मतलब गया था ट्राई करने को एक रेस्टोरेंट, जस्ट फॉर फन आई वाज गोइंग एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स हैव अ लुक क्या होता है एंड क्या नहीं होता। तो द रेस्टोरेंट वाज इन पी पोर्ट एलिजाबेथ, तो वहां पे मैंने ट्राई किया था, तो ही टोल्ड मी 4,000 बक्स फॉर अ मंथ, लाइक आई हैव टू वर्क फॉर अबाउट अ मंथ टू गेट अ 4,000 रैंड, दैट इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज ऑलमोस्ट। तो वर्किंग फॉर 7 आवर्स अ डे एंड गेटिंग 20,000 पेड, और जिसमें अगर आप पूरा दिन काम करते हो तो उसमें आपकी मतलब सारे के सारी मतलब बेसिकली सारा का सारा टाइम चला गया, एंड स्पेशली अगर आप पीपीएल कर रहे हो तो यू कैन नॉट फ्लाई एट नाइट, राइट? तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आपकी फ्लाइंग भी इफेक्ट होगी और वो सब इफेक्ट होगा फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। तो आई वोंट सजेस्ट यू गाइज टू वर्क देयर इन साउथ अफ्रीका इवन इफ यू विल गेट। बाकी तो जैसे अनुज ने बताया इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन साउथ अफ्रीका। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू थिंक अबाउट फूड इन साउथ अफ्रीका? सो लेट्स स्टार्ट विद विवेक। तो बेसिकली मतलब मेरा क्वेश्चन जो मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ विवेक, के फूड मतलब कि आपको इंडियन फूड कैसा अवेलेबिलिटी है, मिलता है नहीं मिलता, और क्या कहते हैं आपको मतलब जो साउथ अफ्रीकन मेन फूड है वो हम इंडियंस के लिए सूटेबल है या नहीं है, स्पेशली मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है या मतलब कैसा मतलब अगर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा जो नॉनवेज नहीं लेता उनके लिए, या रेगुलर बेसिस पे नहीं खाता, या कोई वीगन है उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे भाई? हमारे यहाँ पे एक फूड्स बर्गर करके जगह है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पर आसपास यहाँ पे भी
4-5 किलोमीटर में एक इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है। यहाँ पाकिस्तानी काफ़ी सारे हैं, इंडियन भी हैं काफ़ी सारे गुजराती जो अपने शॉप चला रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ मिलता है, अवेलेबिलिटी है यहाँ पे उसकी खाने की, इंडियन फूड की। पर यहाँ साउथ अफ्रीकन्स का थोड़ा अलग फूड है, लोग लोग ज़्यादा हमारी तरह स्पाइसी फूड नहीं खाते, रोस्टेड खाते हैं, सब कुछ रोस्ट करते हैं या पाप खाते हैं। पाप इज़ वॉट वीट फ्लावर लेते हैं, उसको उसको कुछ करके फिर उसको बेसिकली मिक्सचर और खिचड़ी टाइप स्टफ, राइट? खिचड़ी टाइप स्टफ या तो वो बना के वो लोग वो खाते हैं। तो मुझे तो पसंद नहीं, बाकी वो आपका टेस्ट है, आप जानो। और बाकी वेजिटेरियंस के लिए तो हमारे साथ एक पाजी रहते थे, वो प्योर वेजिटेरियंस थे, वो पंजाब से थे, पीपल कर रहे थे यहाँ पे, तो वो तो पूरा वेजिटेरियन थे। तो वो अपना जाते थे फोर्ट्सबर्ग, वहाँ पे वहाँ काफ़ी सारे इंडियन शॉप है, तो वहाँ से अपना ग्रोसरीज लेके आते थे, आटा हो गया, चावल हो गया। तो वेजिटेबल्स तो पिक एंड पे में मिल जाते हैं, नॉर्मल कोई भी शॉप पे मिल जाते हैं वेजिटेबल्स, तो आप आके उससे बना सकते हो रोटी वोटी। सो वीगन्स के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अनुज हम आपकी तरफ आते हैं। अनुज, तो बेसिकली आप मेरे को ये एक्सप्लेन करो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको, कि उनको इंडिया से कुछ लाने की जरूरत है या नहीं है। मतलब एग्जाम्पल, इंडिया से आ रहे होते हैं, हमारी इंडियन मॉम्स होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब फिक्र होती है कि वहाँ पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ग्रोसरीज वगैरह मतलब इजीली अवेलेबल है, मैंने उनको काफ़ी लोगों को बोल दिया कि आपको इजीली मिल जाती है, लेकिन आप इस पॉइंट में क्या ऐड करो, थोड़ा सा आप ऐड करो प्लीज। मैं बस एक एक लाइन में सब बोल जाऊंगा, जहाँ चाहे वहां रहा है, ठीक है? तो ये आपने सबने सुना होगा। तो अगर आपने आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि आपको वीगन ही रहना है, तो आपको उस चीज से रिलेटेड भी खाना मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पे एक फ्रेंड था, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अचानक से वो होता है ना कि स्लिप वाला काम हो जाता है, मेमोरी स्लिप, तो वो काम हो गया अभी अचानक से। तो उस फ्रेंड है ना, वो पूरा वीगन था, कुछ भी मतलब कि वो है ना ओनियन तक भी नहीं खाता था, ठीक है? इतना वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा विवेक भाई कहाँ पे गए? इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू करना, मैं मिस बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था जहाँ चाय वा रहा है, तो वही चीज है, अगर आप वीगन रहना चाहते हो तो आपको वो खाना भी मिल जाएगा अगर चाहोगे तो। और अवेलेबिलिटी की बात ये है, अगर आप देखो अगर जाओगे यहाँ पे थोड़ी दूर है, अगर जर्मिस्टन वगैरह जोबर्ग में रह रहे हो तो फोर्ट्सबर्ग आपके पास में पड़ेगा, क्योंकि या फिर एक काम कर सकते हो, दूर भी रह रहे हो, एक चीज बता दे रहा हूँ, इस साइड एग्जाम वगैरह लिखने आते हो, पीपल के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने आते हो, कुछ भी, तो उस टाइम इस साइड फोर्ट्सबर्ग आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। और आपका आटा मिल जाएगा आपको, मतलब कुछ भी खाने में चाहिए आपको इंडिया से रिलेटेड, हर चीज घी भी मिल जाएगा एक तरीके से बताऊं तो क्या है कि अगर आप आपकी मम्मी घी वगैरह भेज रही है, ठीक है, आपके साथ में डाल के, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उसको लेके आओ। कई बार क्या होता है, दुख बड़ा होता है जब मतलब कि आपका जब सिक्योरिटी पे चेक करते हैं और वो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं कुछ भी आइटम, तो मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो, कुछ भी वो आपके ऊपर है, आपको क्या क्या लेके आना है तो आप जाके लेके आ सकते हो, इजिली मिल जाएगा। सर, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, इंडियंस आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो बेसिकली इंडियन फूड जहाँ पे इंडियन होंगे तो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं काफी सारे पार्ट में रहा हूँ साउथ अफ्रीका के, थोड़े थोड़े टाइम या फ्लाई करके गया हूँ, तो मेरे को मैंने काफ़ी जगह देखा कि इंडियन फूड इजीली अवेलेबल होता है। तो नीड नॉट टू कैरी दोज बिग बैग्स जस्ट ऑफ फूड, आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप कुछ काम का, जैसे साउथ अफ्रीका में लोगों को ना बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, कि साउथ अफ्रीका जब हम आ रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग एक दो बार टेम्परेचर चेक करते हैं गूगल पे, राइट? तो मैं इंडिया में गर्म प्लेस होगा अफ्रीका, बट रियलिटी क्या है? अभी तो वहाँ ठंड चल रही है, तो आई वुड लाइक टू हेयर इट फ्रॉम यू। मुझे तो पता ही है, लेकिन आई वॉन्ट माई व्यूअर्स टू सी दैट एंड विजुलाइज दैट सीन। तो आप लोग स्टार्ट करो प्लीज, आई विल स्टार्ट विद विवेक दिस टाइम। यहाँ पे विंटर तो खतरनाक होता है, माइनस पे टेम्परेचर जाता है, आप अभी देख सकते हैं 7:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर है 9 डिग्री, अगर आपको दिख रहा होगा तो, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 9 डिग्री है अभी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ विंटर तो काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी मतलब एकदम फ्रीजिंग वाला होता है, माइनस में होता है, -2 जाता है, कभी कभी तो -4 तक चले जाता है। तो विंटर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे गर्मी होती नहीं है, मतलब गर्मी के सीज़न में भी गर्मी होगी, अगर समर टाइम आप आते हो, जैसे आप आ गए फेब में या जनवरी में कभी आ गए बीच में, तो आपको गर्मी भी, ऐसा गर्मी होती है कि गर्मी होगी फिर दोपहर में बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पे भी इतना हम पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली। तो यहाँ पे एकदम मौसम एकदम बढ़िया, एकदम कश्मीरी सा बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पे।
True. Would you like to add something, Anuj? मेरे को यहाँ का वेदर मतलब अपने इंडिया से तो देखा जाए तो अच्छा ही लगा, क्योंकि इंडिया में क्या है अभी गर्मी में भी इतना टेम्परेचर हाई चला जाता है, आपको पता ही होगा लक्ष्य अभी कितना, कई बार मेरे को सुनने में आता है 36-40 के अराउंड, 45 के अराउंड इतने डिग्री सेल्सियस हो जाता है हर गर्मी में। तो मतलब वो इतनी कड़क लू चलती है ना अपने इंडिया में, वो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं की। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि वहाँ पे बच्चे हैं भाई और मतलब इतनी गर्मी पड़ती होगी इसी वजह से मतलब उनका ब्लैक कलर है जो यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो जीन की वजह से होता है, उनके जीन्स में होता है सब सब कुछ। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो कि भाई वो गर्मी पड़ रही है इस वजह से वो काले हैं, ठीक है। तो एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटा सकते हो अपने दिमाग से। मेनली चीज क्या है कि यही है, अगर आप आते हो तो आपको इतनी गर्मी लगेगी नहीं, इस किसी भी घर में अभी तक मैंने एसी नहीं देखा है, ठीक है। पंखे भी है ना, इतने स्लो पंखे चलते हैं यहाँ पे कि आप महसूस भी नहीं होगा कि पंखे चल रहे हैं, ठीक है। तो गर्मी इतनी नहीं, और सर्दी में सर्दी बहुत बहुत कड़क होती है सर्दी भी शायद। और अभी हम इस घर में रह रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दे रखे हैं, तो इतना जरूरत नहीं पड़ता जब बेड पे सोते हैं तो, क्योंकि वो नीचे से पूरा ब्लैंकेट होता है तो पूरा गर्मी दे देता है, गर्म हो जाता है और उसके बाद आराम से सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा अभी, वो लेंसेरिया फ्लाइट सेंटर स्कूल में है, उसके जो क्रू हाउस है ना उन्होंने मतलब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह नहीं दे रखे, तो वो बोलता भाई अनुज दो कंबल नीचे डालता हूँ, दो ऊपर डालता हूँ, फिर सोता हूँ। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस चीज से कि सर्दी का क्या सीन है यहाँ पे। प्रॉब्लम मतलब वीजा प्रॉब्लम है या नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत है, लग जाता है इजीली या नहीं लग जाता? तो बेसिकली ये बहुत सारी बार मैंने क्वेश्चन आया, कई लोग कनाडा के रिफ्यूज जाते हैं, यूएस के रिफ्यूज जाते हैं, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, एंड देन दे थिंक कि साउथ अफ्रीका का भी नहीं लगेगा क्योंकि यूएसए का वीजा रिफ्यूज हो गया या कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे कि साउथ अफ्रीका का वीजा रियली टफ है या नहीं है। तो विल स्टार्ट विद विवेक। साउथ अफ्रीका का वीज़ा तो बोलूँगा सबसे दुनिया में कोई आसानी इजिएस्ट मिलता है वीज़ा, वो साउथ अफ्रीका का वीज़ा है। बस अप्लाई करो और आपके पास वीज़ा एक हफ्ते के अंदर। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे एक हफ्ते के अंदर वीज़ा घर पे आ गया था मेरा। तो सो इट्स वेरी इजी कंपेयर टू, इट्स वेरी 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 इजी कंपेयर टू कैनेडा एंड यूएसए एंड न्यूजीलैंड। वे कहना चाह रहा है कि साउथ अफ्रीका का वीजा बहुत इजीली होता है कंपैरेटिवली किसी और कंट्री से, राइट विवेक? तो इसी को हम लोग मतलब इसी क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं अनुज के पास, इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग। देखो साउथ अफ्रीका का वीजा क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सब ठीक हैं तो वीजा पक्का है। देख मैं ये नहीं बोलूंगा लगेगा ही, ठीक है, मैंने बोला डॉक्यूमेंट अगर आपने सब ठीक दिए हैं, हर चीज आपकी परफेक्ट है डॉक्यूमेंट्स में, तो लगेगा। ये मत सोचना कि लगा नहीं भाई, आपने बोला था कि लगेगा ही लगेगा, अगर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो नहीं लगेगा भाई। ये मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होने चाहिए। और मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ है तो वो उसके ऊपर वीडियो बनाई है मेरा चैनल, भाई छोटा सा चैनल है तो उस पर जाके देख सकते हो अगर वीजा की वीडियो देखनी है, अगर खुद से वीडियो मतलब कि वीजा लगाना है अगर, वरना एजेंट वगैरह लगाते हैं तो उनके पास आपको डॉक्यूमेंट भेजने वो खुद लगा के आएंगे। सॉरी, लेकिन अगर आप खुद से वीजा लगवाते हो तो आसान है, 5-5.5 हजार तक लग जाएगा, मैक्स मैक्स बताया वो भी मैंने। वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है और डॉक्यूमेंट जमा करा के आना आपको ऑनलाइन, ऐसा भी कुछ नहीं है ना आपको मतलब आईएलएस चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, और नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं और आपको सबमिट करा के आना है इसमें बस। एक ऐड करना होगा, सॉरी टू इंटरप्ट, पर आपको शायद 25,000 रुपये देने पड़ेंगे इंडिया, आपको इंडिया के फॉर मोमेंटम इंश्योरेंस के लिए। हाँ वो चीज डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है, वो चीज अलग होगी, लेकिन वीजा फीस मतलब आपकी वीएफएस की फीस होगी, उसके अलावा कुछ फीस नहीं। 30,000 तक फीस लग जाता है टोटल, अगर इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब कवर करे, वो भी वीजा में आता है, तो 30,000 तक हो जाता है। हाँ, तो वीजा हम बेसिकली साउथ अफ्रीका से भी लगवा सकते हैं, अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला हो तो इजीली साउथ अफ्रीका में भी लग जाता है। तो डोंट वरी कि आपको वापस जाना पड़ेगा बार बार जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो बेसिकली वीजा इज बहुत ईजी है, दोनों ने वही बताया आप लोगों को, जैसे मैं भी बोलता हूँ आप लोगों को, बट आप मतलब चाहते हैं कि हम लोग बहुत लोगों से सुन लें वो चीज़, और मतलब एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है हर किसी को। तो मैंने इससे दोनों को आज ऐड किया, उसको और विवेक को, और दोनों ही स्टूडेंट हैं, दोनों ने मेरी तरह ही स्ट्रगल किया है और दोनों ने मेरी तरह अपने वीजा लगवाए हैं, और मतलब हम तीनों का प्रोसेस अगर एकदम सेम है, हम तीनों अलग अलग पार्ट से हैं एक कंट्री में, हम मतलब हम तीनों अलग अलग पार्ट से हैं कंट्री के, तो हम तीनों का अगर एक ही प्रोसेस है, तो आप शायद कहीं से भी आप भी हो तो आपके लिए भी वही प्रोसेस होगा। तो अब हम लोग वीडियो को थोड़ा सा जल्दी से एंड करते हैं और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो विल स्टार्ट विद विवेक। विवेक, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आप पीए जाओगे, डरबन जाओगे, केपटाउन जाओगे, कंपेयर टू जोहान्सबर्ग, वो तीन प्लेस कोस्टल एरियाज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर हैं, बीचेस हैं वहाँ पे, आप जाके आराम से कोई बोर हो तो जाके स्विमिंग कर लो वहाँ पे बैठ जाओ आराम से, ठंडी हवा का मजा लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका का। बस थोड़ा थोड़ा जो बैक करता है वो है यहाँ के एग्जाम्स,
थोड़े एग्जाम्स कंपैरेटिवली अगर यूरोपियन लाइसेंस को छोड़ के अगर आप यूएसए, कनाडा और इंडिया का कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत है, सब्जेक्ट्स बहुत हैं। तो या सो और कोई नहीं, जिस एग्ज़ाम्स के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। फ्लाइंग भी बहुत अच्छी है, बहुत आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्लाइंग में, कहाँ पे भी कहीं पे भी प्लेन लेके चले जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप कुछ भी करो आपको कोई बोलेगा नहीं। पर हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है अपने आप को सेफ्टी इश्यूज़ के लिए। तो अनुज, अब आप बताइए अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, एंड देन आई टेल। देखो सबको बताऊं तो ये सबसे पहले मेरी पहली अब्रॉड कंट्री है साउथ अफ्रीका। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बेस्ट लगी, देखो यूएस वगैरह में भी होता है सब जगह, तो लेकिन मैं साउथ अफ्रीका हूँ तो यहाँ की मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मेरे को, पीपल के बाद है ना, आप एयरक्राफ्ट लो, कहीं पे घूम के आओ, दोस्तों के साथ जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, अपनी फ्रेंड के साथ जाओ, किसी के साथ मन करे उसके साथ जाओ, आप फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप उनको फ्लाई करा सकते हो, साथ में खुद फ्लाई कर सकते हो, और जहाँ आपकी प्लानिंग प्लानिंग दिखाओ स्कूल को और दूर दूर तक फ्लाई करो, कोई आपको टोकने टोकने वाला नहीं है। इंडिया में ये है कि आप दूसरे किसी के साथ फ्लाई नहीं कर सकते हो, मेरे को एक थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट लगता है इंडिया का, वरना यहाँ पे इन चीज़ों के मामले में मतलब आप फ्लाइंग के साथ में मतलब फन भी कर सकते हो। ये चीज़ है, ये नहीं है कि बस आपको जस्ट अपना माइंड सेट घोड़े के वो लगा देते हैं ना आपको आंखों के साइड में कि वो इस साइड ना देखे, तो इंडिया में वही काम हो जाता है कि फ्लाइंग ही फ्लाइंग है, फ्लाइंग ही फ्लाइंग है, आप स्ट्रेस भी आ सकते हो उस चीज में। तो यहाँ पे क्या है कि आप फन कर सकते हो, साथ में फ्लाइंग भी करो भाई, मतलब मौज मस्ती भी लाइफ में जरूरी है, लेकिन ये नहीं बोलता कि भाई मौज मस्ती का मतलब कि आप गांजा पियो, वीड फूको, क्योंकि ये चीज साउथ अफ्रीका में वीड है ना मतलब कि आपकी लीगल है, और कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे आके उस चीज को है ना अपने पैसे को है ना उस चीज में ज्यादा उड़ाने लग जाते हैं, स्ट्रिप क्लब। तो हाँ, तो इन चीजों में ना मतलब लोग बहुत पैसा बेकार करते हैं। तो मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आप एक गोल लेके आ रहे हो, एक गोल सेट किया है, आपकी फैमिली वाले पैसे लगा रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो उस ट्रस्ट को तोड़ना मत भाई, आके यहाँ पे आके भाई अपना फ्लाइंग करो, मौज मस्ती करो, लेकिन उस मौज मस्ती की तरफ मत जाओ जो बाद में आपको नुकसान दे। ठीक है, तो उस चीज को लेके साउथ अफ्रीका मेरे को अच्छा लगा, हर चीज बेटर है, और अभी तक इसी रीजन में है, बंजी जंप वगैरह किया हमने भाई, तो मेरा लाइफ का फर्स्ट बंजी था, वो ऑसम था। तो यहाँ पे ये चीजें भी मतलब बहुत सारी एडवेंचर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, थीम पार्क्स हैं और बहुत सारे मतलब टूरिस्ट प्लेस हैं, आप जाओ तो घूम के आ सकते हो, खुद की गाड़ी लो, दोस्तों के साथ जाओ, तो जगह बहुत अच्छी है, ये चीज मैं बोलूंगा। तो ओवरऑल मतलब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती फ्लाइंग में, ऐसा अनुज भी बोल रहा है और विवेक भी बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सेफ्टी के बारे में अगेन, तो साउथ अफ्रीका इज नॉट दैट डेंजरस टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करना, इंडिया जैसा ही है। विवेक ने भी यही बात बोली थी, अनुज ने भी बोली थी कि इंडिया में भी चेन स्नैचिंग होती है, इंडिया में भी फ़ोन खींचते हैं, आप अगर रेलवे पे ट्रेवल कर रहे हो तो कभी कभार आपका फ़ोन मतलब पॉकेट से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, तो नीड नॉट टू वरी दैट मच अबाउट ओके यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। यू कैन सी आई एम स्टिल अलाइव, तो मैं भी वहाँ काफ़ी टाइम रहा हूँ, एंड देन सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड्स के साथ, कई लोगों के साथ हुआ है, वेयर एज उन्होंने शायद अपने मतलब कहीं जा रहे थे, जैसे अनुज ने बोला कि ये वाली से मतलब वेरी डेंजरस जगह है रेलवे ब्रिज, वहाँ नहीं जाना चाहिए हर टाइम पे या रात को आप लेट टाइम पे जा रहे हो, तो वो गलत है। तो अगर आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो अदरवाइज उसके सिवाय साउथ अफ्रीका इज़ वेरी सेफ, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगहें हैं। आपने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, केप टाउन, डरबन, जॉर्ज, तो ऐसी जगहें भी हैं वहाँ पर। तो कुछ छोटे से पार्ट के लिए डेंजरस है ये है, तो उसके लिए आप एक ब्यूटीफुल कंट्री को मिस नहीं कर सकते। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू गो साउथ अफ्रीका, भाई ज़रूर जाओ, इट्स नॉट दैट डेंजरस, ये लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, मैंने भी सर्वाइव किया और हम लोग तीनों ही जिंदा हैं अभी, और होपफुली ये लोग अभी रहेंगे तो वो ही जिंदा ही रहे जब तक वापस आए। हाँ प्लीज गो अहेड, सर्वाइवल इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, आप ये नहीं बोल सकते कि सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें हम लाइफ जी रहे हैं यार, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप सोचते हो कि डेंजरस है, मतलब आपके भाई वो मूवीज में दिखाते हैं ना गन कंधे पर रख के आते हैं कि हाँ भाई निकाल दे यार, ऐसा भी कुछ नहीं है यार, मतलब घर में है वो सेफ हो, अपना काम से काम जाओगे तो सेफ रहोगे। और वही बात है ज्यादा ये लेके कि भाई दिन रात निकल रहे हो पैदल घूम रहे हो ऐसे ही, तो इंडिया में भी लूटा जाएगा आपको, यहाँ पे भी लूटा जाएगा, बात बराबर है। पर अनुज टू बी ऑनेस्ट भाई, सबसे ज्यादा डेंजरस जगह क्या मानी जाती है वहाँ पे, तुम्हारा ये टाउन जर्मिस्टन टाउन राइट, हमारा अगर आसपास देखा तो एवरीवन यूज्ड टू अवॉइड दैट प्लेस। तो मैं रात को लिटरली 3 बजे भी, मैं 4 बजे भी वहाँ पे वॉक कर गया,
एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम सेफ एंड आई एम अलाइव अगेन सेम थिंग आई रिपीट कि भाई ऐसा इतना भी डेंजरस नहीं है बट यू हैव टू सी एंड यू हैव टू बी वेरी काइंड पोलाइट अगर कोई है तो से हेलो टू हिम और हर वट एवर जो भी स्ट्रीट पे है तो दे मतलब या जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर पांच का एक ग्रुप जा रहा है तो अवॉइड गोइंग ऑन द सेम प्लेस आप थोड़ा सा रास्ता बदल के जा सकते हो राइट तो ये सब चीज़ें भी होती हैं तो विवेक को पता है कि हम लोग जाते थे कभी कभी 3 3 4 4 बजे जर्मिस्टन टाउन वॉक करके भी तो इट्स नॉट नहीं दैट भाई, चीज एक डेंजरस चीज और लक्ष्य कि अगर आप ही ग्रुप में जाओगे तो मे भी साउथ अफ्रीका नहीं अपना रास्ता बदल ले कहीं ना कहीं, वो चीज भी है यार। या इट इज पॉसिबल तो मेरे को यही लगता था ये सब चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए एंड आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू थैंक यू अनुज थैंक यू विवेक एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू सर प्लेजर बेसिकली फॉर ज्वाइनिंग इज मी ऑल माइन। सो बेसिकली इसका मैं लास्ट में बोल दूं कि अनुज का भी यूट्यूब चैनल है जो शायद नहीं जानते अनुज को तो बेसिकली ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है इसकी भी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं इफ़ यू वांट टू सी देम आई लिंक हिज चैनल इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो आप लोग इसका चैनल भी देख सकते हो एंड आजकल ये काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग के बारे में बना रहा है तो अगर आप घर पे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा टू सी 360 होती क्या इधर उधर की एंड विवेक इज ज्वाइनिंग हिम तो विवेक की मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शेयर कर दूंगा इज नॉट अनफॉर्चुनेटली बाय द लाइक बाय टुडे इज नॉट मेकिंग एनी वीडियोज तो जब ये बनाएगा तो आई लिंक हिज चैनल एज वेल तो आई फॉर नाउ आई लिंक हिज इंस्टाग्राम तो आप इसको फॉलो करो और इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आप लोग मेरे से पूछते हो और आप अनुज से भी पूछ सकते हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ठीक है मैं तेरे साथ नहीं, तुम लोग कितना एक्सपीरियंस मैं हो कंट्रोल सोच कर रहा मत था यार। क्या बना तेरे सामने ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट विवेक सिंह कैन यू मैंने ही गलत बोल दिया ओके सो नाउ ऐसे क्या हो जाता है ऐसे कौन देख देख अब क्या कर ठीक रहा है है। ओके सो नाउ लेट्स सो देख देख अब तो कोई अब क्या बोलते असली नहीं था यार पैकअप 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 कल कल।